आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, आशा करता हूं आप कुशल होंगे। आज की वीडियो में मैं लिए चलता हूं आपको लेंगड़ा के जंगल में, और लेने जा रहे हैं हम लोग लेंगड़ा। बने रहिए वीडियो के साथ। ये आप ऊपर देख सकते हैं, किसी ने यहां पे जंगल में आग लगा दी है। वैसे आजकल कच्चा होते हैं, हरा होते हैं, आग नहीं लगनी चाहिए, फिर भी इतना सूखा होगा उसमें जंगलों में आग लगने से जो पेड़ पौधों का नुकसान होता है, जो कि सरासर गलत है। अब हम पहुंच चुके हैं ये जो लेंगड़ा का जंगल है, लेंगड़ा के जंगल के पास में गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर लिया है। यहाँ से हम चलेंगे पैदल। देख लीजिए शोभा और महक ने चला स्टार्ट कर दिया। देख लीजिए ये रास्ता जो है काफ़ी कठिन रास्ता होता है, जंगलों का रास्ता कोई रास्ता नहीं होता है। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, इनके ऊपर से हमको चलना होता है। तो ये देख लीजिए, ये है लेंगड़ा। इस तरह से ये होते हैं लेंगड़े, आप देख सकते हैं। ये लेंगड़े जो हैं इनका बॉटनिकल नाम है डिप्लाजिम एस्कुलेटम। बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है, और आजकल ये सब्जी अधिक मात्रा में गांव के जो लोग होते हैं, गाँव के ये सब्जी लेने के लिए जाते हैं। पूरा जो जंगल है इस समय यहाँ पर पूरी हरियाली छा रखी है, बसंत ऋतु है। आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर लग रहा है जंगल। और अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही हो तो तरह तरह की जो पक्षियां हैं उनकी आवाज़ भी यहाँ पे आप सुन सकते हैं। महक इधर चली गई है और उमंग उस साइड में, जबकि शोभा जो है यहाँ पीछे ढूंढ रही है। मिल जाएगा धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। तरह से यहाँ पे जो कोपली हम लोग बोलते हैं, और गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मोलियार, जंगलों में आ रखा है। चारों तरफ हरा ही हरा लगता है, लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसे कठिन रास्ते से चलना होता है। देख लीजिए, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे स्लिप ना हो। अंदर एकदम घनघोर जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं अंदर कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। इसी रास्ते से हमको निकलना है। ये इंडोर प्लांट जंगलों में कितना सुंदर है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये धंधरा है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। धंधरे की सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी होती है, कड़वी ज़रूर होती है, और हमेशा कड़वा जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये है धंधरा, और ये इंडोर प्लांट अनेक बहुत सारे यहाँ पर हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये अखरोट का पेड़ भी यहाँ पर है। हालाँकि ये यहाँ पे काठी अखरोट बोलते हैं, ये सख्त होते हैं, जैसे ये पत्थरों से फोड़ने पड़ते हैं, लेकिन होते बड़े टेस्टी हैं। जंगलों में अधिकतर यही अखरोट होते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ये है धंधरा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसे फूल उग चुके हैं, इसका मतलब ये अब पक्का हो चुका है, अब खाने लायक नहीं है। तो जंगलों में मैंने आपको बताया कि तरह तरह की आवाज़ें, मधुर आवाज़ें यहाँ पर आती हैं, आप अगर गौर करें तो सुन सकते हैं आप। हम सड़क से करीब 2 किलोमीटर भीतर आ चुके हैं जंगल के, और देख लीजिए ये घना जंगल है। इधर ढूंढते ढूंढते जो होते हैं जंगलों में, जब आदमी अंदर जाता है तो काफ़ी अंदर तक पहुंच जाता है, उसको पता नहीं चलता हम कितने अंदर आ गए हैं। ठीक वही हमारा भी है कि जो लेंगड़े हैं, लेंगड़े ढूंढते ढूंढते हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं, और देखते हैं शायद ऊपर से रास्ता एक गाँव की तरफ जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारी गाड़ी नीचे पार्क है। तो ये है लेंगड़ा, इसके बाहर देख लीजिए आप जो कवर होता है, ये कवर निकालना पड़ता है। निकालने के बाद ये पूरी जाली टाइप की होती है, ये जाली को निकाल के फेंक देते हैं। देख लीजिए इसको निकालने के बाद बहुत टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। हालांकि ज़्यादा भी एकदम से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर खाते हैं तो पेट में मरोड़ भी होता है। लेकिन अगर कुछ इस समय बना दिया, कुछ शाम को बना दिया, लगातार बनाते जाइए तो बहुत ही टेस्टी सब्जी है। दोस्तों ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, आप देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसके ऊपर जो है कुछ समय पश्चात फूल खिलते हैं, बहुत सुंदर फूल खिलेगा। जंगल के अंदर चलना जो है, हालांकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा होता है, मगर चलने में थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि रास्ता इधर कोई फिक्स होता नहीं है, रास्ता बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये रास्ते जो है ना, ये जंगल के जो रास्ते हैं पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है।
तो देख लीजिए इस समय हम जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, लगभग अब 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अब देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं, क्योंकि इच्छा है कि काफ़ी अंदर जंगल की सैर करें। देख लीजिए पहाड़ी रास्ता टफ होता है और सुबह जो है ये कल ही आई है दिल्ली से, अब सोच सकते हैं आप दिल्ली से सीधे मैं गंगा सुख के जंगलों में लाया। फिर चलने की बात करें तो महक देख लीजिए सबसे आगे जा चुकी है, बाद में देखेंगे कितने निकाले महक ने। देख सकते हैं ये कांटों के अंदर से आ रहा है उमंग, ये देख लीजिए यहाँ पे जो जंगल है इसमें ये जो बांस पाए जा रहे हैं, बांस हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको रिंगाल बोलते हैं, रिंगाल होते हैं अधिकतर जो हमारे यहाँ टोकरियाँ वगैरह बुनते हैं, कंडा मलकुना हमारे यहाँ पे अधिकतर गोबर डालने के लिए या घास लाने के लिए बनाए जाते हैं, सॉल्टी बनाई जाती हैं तो इन्हीं से बनाई जाती हैं। देख लीजिए और जहाँ जहाँ ये बांस होता है निश्चित रूप से वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, देख लीजिए मेरे पीछे शोभा है, वो दोनों आगे पता नहीं कितना आगे निकल चुके हैं, ढूंढना होगा पहले उन्हीं को ढूंढना होगा। ये जितने ऊपर हम आ रहे हैं उतने अधिक मात्रा में मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो हम शुरू में सोच रहे थे कि लेंगड़े बहुत कम हो गए हैं, उदास हो रहे थे, लेकिन अभी जो हम ऊपर आ रहे हैं तो काफ़ी मात्रा में हम कह सकते हैं लेंगड़े हमको मिल रहे हैं। देख लीजिए एक ही जगह पे मेरे को इतना सारा मिल गया है। यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं क्योंकि बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं, अब बहुत आगे आने का मतलब होता है कि यहाँ पे मौसम भी ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है, जंगल का रास्ता है एकदम स्पीड से तो हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जंगल में काफ़ी अंदर आ चुके थे और अब यहाँ से वापस जाने का हमने निर्णय ले लिया है, क्योंकि जंगल है और मौसम ऊपर से आज धूप नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि बारिश सब जंगलों में होती है, तो जंगल ऐसा होता है कि फिसलन भरा होता है, इसलिए हम आगे जाने का हमने प्रयास नहीं किया और यहीं से वापस चलते हैं। अगर देखते हैं बीच बीच में अगर कहीं और मिलता है तो ले लेंगे, फिर भी देखो महक ने इतना निकाल दिया है और ये शोभा ने भी इतना कलेक्ट कर दिया है, इधर से उमंग जो है इस साइड में चला गया है और उमंग ने भी अपने लिए निकाल दिए हैं, तो बहुत होता है इतना टफ होता है जंगलों में, पहाड़ पे चढ़ना उतना ही टफ होता है उससे नीचे उतरना। कितना सुंदर है लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है जंगल में। ये जो पानी है ये जंगलों में लगभग सब जगह आपको मिलेगा और ये होते हैं जहाँ जहाँ बांज के पेड़ होते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं बांझ के जड़ी का पानी, यानी कि बांझ के जड़ से जो है बांझ जो है पानी को पैदा करता है, जहाँ जहाँ बांझ होते हैं जहाँ जहाँ बांझ का जंगल होता है वहाँ पानी स्वयं हो जाता है, तो इसलिए जंगलों में जो बांझ वगैरह हैं उनके पेड़ लगाने चाहिए। और देख लीजिए नेचुरल पानी, इसको कोई मिनरल वाटर जिसको हम कह सकते हैं कोई प्योर करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसको पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है और पाचक भी होता है, पाचन भी करता है, पाचक भी होता है, बहुत ही अच्छा होता है जंगलों में जो पानी निकलता है बांझ की जड़ों का। अब हम लगभग सड़क के नज़दीक पहुंच चुके हैं, बस यहाँ पर से 20 कदम आगे सड़क है। ये 20 लेंगड़े से नहीं होना गाड़ी। दीदी बता रहे हैं कि ये जो लेंगड़े हैं ये 20 लेंगड़े होते हैं, अब इसका शेप और दूसरे का शेप मैं आपको दिखा दूँ अलग अलग होता है। ये सामने आप देख लीजिए ये है दालचीनी, और अगर शहरों की बात करी जाए तो वहाँ काफ़ी महंगा ये मिलता है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना सुंदर पेड़ है दालचीनी का, और इधर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो कोयल की आवाज़ मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है जंगलों में घूमना।
अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर मैं ये न कहूँगा कि आपको घने जंगलों में जाइए, लेकिन पहाड़ में अवश्य घूमिए, इन जंगलों की सैर अवश्य करिए। देख लीजिए ये लंगूर जो हैं पूरे जंगलों में इस समय पेड़ों पे हैं, और पेड़ों की जो कोंपलियाँ होती हैं, कोंपली इस समय आती हैं तो उन कोंपलियों का खाते हैं ये लंगूर। और देखो हमको देखिए शायद डर गए हैं और काफ़ी विचलित हो गए हैं, वैसे डराना नहीं चाहिए जंगलों में, फिर भी जो जंगली जानवर हैं। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।